हमारे देश में असली क्षतिग्रस्त अंगों का नकली अंगों से बदल दिया जाना उतना प्रचलित नहीं है, पर ये सारी प्रक्रिया आत्महीनता से आत्मविश्वास की ओर एक बड़ा कदम है। आपने देखा होगा कि कई बार दुर्घटनावश या किसी बीमारी के कारण लोग अपनी आंख, कान, नाक, उंगली गंवा बैठते हैं। माउथ कैंसर में भी कई बार ऑपरेशन से चेहरे को नुकसान हो जाता है। ये बड़ा आम है कि इन कमियों के साथ लोग अक्सर हीन भावना से ग्रस्त हो सामाजिक मेल मिलाप से दूर अलग थलग रहने लगते हैं। ऐसे में दांत के डॉक्टरी की एक ब्रांच प्रोस्थोडोंटिक्स वरदान बनकर इनके जीवन में प्रवेश करती है। आइए बात करते हैं इस विधा की माहिर डॉक्टर वरुणी अरोरा से। प्रोस्थोडोंटिक्स, प्रोस्थो मतलब नकली, प्रोस्थीसिस कोई भी चीज जो नकली होती है, वो जैसे नकली दांत, अब अगर आपका क्राउन हो, ब्रिज हो, इम्प्लांट हो, डेंचर हो, ये सब नकली है। तो ये सारी चीज की जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो मेरी स्ट्रीम, मतलब हम करते हैं ये काम प्रोस्थोडोंटिक्स। नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि डेंचर बनवाना है तो किस डेंटिस्ट के पास जाओगे तो अच्छा डेंचर मिलेगा, लेकिन अगर वो MDS प्रोस्थोडोंटिक्स के पास आते हैं तो शर्ती गले से गले मुंह में भी उनको दांत मिल ही जाएंगे। और इसके अलावा मेरी स्पेशलिटी में दांतों से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, पूरा का पूरा हुलिया ही बदल देते हैं हम दांतों का, कैसा भी लेकर आ जाओ। तो ये तो दांतों से रिलेटेड काम करती हूँ मैं। दांतों के अलावा जो मेरी स्पेशलिटी से जो हाँ काबिलियत हमको मिली है उसके हिसाब से मैं नकली नाक, नकली आंख, नकली कान, नकली उंगली, अगर कैंसर हो जाता है लोगों का, मुंह कट जाता है तो हाँ, तो वो हम वो भी पूरा हिस्सा नया बना देते हैं नकली। जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्लास्टिक सर्जन, ओरल सर्जन, तब हमारा काम शुरू होता है कि जब सबने हाथ उठा दिए हम वापस खड़ा कर देंगे, चेहरा देखने लायक बना देंगे वापस। आँख वाली जो समस्या होती है वो बिल्कुल सही कहा आपने, रूरल इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास आम तौर से जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको जब मैं पूछती हूँ कि ये कैसे हुआ, तो पता चलता है कि बचपन में कभी किसी ने पत्थर मार दिया था एक आँख में, कभी सरिया लग गया, कभी मुर्गा चोंच मार गया, कभी खेलते खेलते किसी बच्चे ने आँख में सुई चुभो दी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रूरल इंडिया में ज़्यादा है, और लेकिन ये नहीं कहेंगे हाँ हाँ हो सकते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जैसे अपसरिया है तो वो लेबर जो कर रहा है लड़का उसको नहीं पता, अचानक से उसके संग ये त्रासदी हो गई या पत्थर। अब एक लड़की थी, उसकी आँख में कैसे हुआ, एक आँख में वो उसका भाई आम काट रहा था और वो लड़ रही थी उससे कि मैं भी करूँगी, वो बोल रहा था नहीं तुम नहीं करोगी, और अचानक से वो बीच में आ गई और वो जो हंसिया होता है जिससे काटते हैं वो उसकी आंख में जाके लग गया। मतलब जब ये अपनी कहानी बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से, किस दर्द और पीड़ा से, मतलब एक छोटा सा आंख में से दबा भी दो तो इतना दर्द होता है जब किसी की एक पूरी आंख चली जाती है, तो वो बहुत मतलब सुन के लगता है। और इसके अलावा भी कुछ बच्चों को बचपन में कैंसर हो जाता है आँख का, तो उसमें उनकी आँख निकालनी पड़ जाती है, तो वो वाले केसेस अलग होते हैं, लेकिन इवेंचुअली काम तो वही करना है, एक नकली आँख की जगह मतलब देनी है उनको, एक आँख नहीं है, किसी किसी के दोनों आँख नहीं होती है और दृष्टि नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि इन आँखों में दृष्टि नहीं होती है, तो आँख के डॉक्टर के पास ये जाते हैं और वो हमारे पास इनको भेजते हैं, क्योंकि हम उनको बता के रखा है कि हाँ ठीक है हम ये काम करते हैं। आमतौर से लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि MDS प्रोस्थोडोंटिक्स के पास उनको आना है नकली आँख बनवाने के लिए, कि डेंटिस्ट अगर लिखा है नाम के आगे तो आँख का भी काम वो कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि असली नकली में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, हर तरह से, चाहे वो उसका आकार हो, चाहे उसका रंग हो और चाहे उसका फंक्शन हो, मूवमेंट हो, केवल वो देख नहीं सकती है क्योंकि उसके अंदर वो नसें सूख चुकी हैं जिनसे दृष्टि अंदर जाएगी दिमाग में, उसको सेंसेस आएंगे इमेज के, हाँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं आँख दूँ तो वो दोनों आँख बराबर हिलें ऊपर नीचे और पता ना चले। अभी हाल ही में पिछले महीने की ही बात है, एक पेशेंट था बेचारा, सारी ज़िंदगी से अपने बड़े दो भाइयों की शादी हो गई, तो मुझसे कहता था मैम मैं एक ही काम करता था, शादी के अगले दिन दौड़ के फोटोग्राफर की शॉप पे जाके अपनी सारी फ़ोटो डिलीट करवाता था।
इतना उसके अंदर हीन थी भावना कि अपनी आँख के लिए। और जब मैंने उसकी आँख बनाई है तो लड़की के उधर भी सबको पता था कि लड़के में कोई दोष है, क्योंकि भाई देखा तो उसी हाल में था जब लड़की वाले देखने आए थे, तो गाँव गाँव में बात फैली हुई थी। हाँ, मतलब जब लड़की का रिश्ता तय हुआ था लड़के से, तो लड़के में दोष है ये पूरे, मतलब गाँव के लोग हैं ये लोग, तो पूरे गाँव को पता था। तो जब उसका तिलक हुआ है तो उस दिन हम आँख बना के उसको दे चुके थे, तो वहाँ बैठ बैठ के सामने घुस घुस के लोग नहीं देख के बता पा रहे थे कि कौन सी आँख खराब है। लड़के में तो कोई दोष नहीं, गाँव गाँव में बात फैल गई, लड़का तो ठीक है, इसको कैसे मिल गया। और फिर वो लड़की आके मुझे बताई कि मैम गाँव गाँव में आदमी पास बैठ बैठ के बुढ़े बुढ़े कि दिखाओ ज़रा तुम में तो कोई दोष नहीं है। और फिर उससे इतना प्रसन्न हो के फिर वो लड़की भी आई, फिर वही 5 दिन बचे थे उनकी शादी में, तो उसका भी बनाया। कान, उंगली, उंगलियां कट जाती हैं तो उंगली बना देते हैं सिलिकॉन की, उसको छुओ तो बिल्कुल यही नॉर्मल स्किन का फील आता है। और आँख का मटेरियल और उंगली और नाक कान का मटेरियल अलग होता है। बाकी यह है कि कैंसर हो जाता है लोगों का तो पूरा पूरा हिस्सा जबड़ा कट जाता है, ऊपर हो या नीचे हो, उसको वापस बनाना। हाँ, वो तो पर बड़ा मुश्किल सा होता है, वो कर लेते हैं आप? मुश्किल तो होता है लेकिन इसी चीज़ की तो ट्रेनिंग है। अच्छा। और इसको हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ग्रेट। तो ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है, ये क्या है? नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, हम प्रोस्थेटिक्स में काम कर रहे हैं। हाँ, चेहरे पे है, जैसे अब किसी का स्कल कोई एक्सीडेंट हुआ और डिप्रेस हो गया, मतलब यहाँ से दब गया। हाँ, ऐसे स्कूप आउट हो जाता है। okay, okay, okay. उसमें भी वापस उसका कंटूर देना, ये भी काम करते हैं हम। और वैसे फिंगर, तो फिंगर्स भी वैसे ही लगती हैं। हाँ हाँ, फिंगर्स पूरी, मतलब कान भी फिंगर्स में तो और मेहनत पड़ती है, डोनर फिंगर ढूंढनी पड़ती है कि ऐसे व्यक्ति की उंगली ढूंढनी पड़ती है जिसकी उंगली थोड़ी मिलती सी मिले, तो उससे बहुत मेहनत, मतलब उसमें जो बनती है उंगली वो बहुत नेचुरल सी बनती है। जैसे किसी की ये उंगली नहीं है तो ये उंगली कैसे बनेगी? अब उसमें हमें फिंगरप्रिंट्स भी तो देने हैं ना। okay. हमें सब कुछ देना है उसके अंदर, तो इसमें थोड़ी मेहनत अलग, एक अलग लेवल पे होती है। पहले तो कोशिश ये की जाती है कि कहीं से हमें डोनर फिंगर मिल जाए, थोड़ी मिलती मिलाती सी, तो उससे हमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स को फिर कार्व करना वो फिर अलग ही लेवल का काम हो जाता है। लेकिन अगर डोनर फिंगर मिल जाती है तो बहुत इजी हो जाता है उससे। और उसके साथ फिर उसका तरीका होता है, फिर नाप लिया जाता है, फिर पहले मोम में बनाते हैं, फिर उसकी फिट देखते हैं, उसकी फिटिंग पूरी उंगली की, जो स्टम्प अगर कुछ बचा है तो उसके साथ, नहीं है तो मैग्नेट्स के साथ या इम्प्लांट्स के साथ, किसी भी तरह से तो उस वो उसमें को, वो कर जाता है। हाँ, फिट किया जाता है उसके अंदर। हाँ, और वो उसके साथ मर्ज कर जाता है। हाँ, फिर उसकी कलरिंग की जाती है, पहले वो फिर पकेगा उस मटेरियल में, मोम से वो मटेरियल में पकेगा, फिर उसके बाद उसकी कलरिंग पूरी प्रॉपर की जाएगी। और देखा जाता है कि जो बचा हिस्सा है, मतलब मान लीजिए यहाँ से कटी थी उंगली की, यहाँ से कटी थी कि यहाँ से कटी थी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हमारे पास, कैसे उसको रोकना है उसके साथ में, ये सब देखा जाता है। हाँ। उसमें भी मुंह का नाप लेते हैं, फिर मोम में बनता है, पहले कच्चा होता है, फिर वो पकाया जाता है, इन दोनों के बीच में तमाम तरह के नाप होते हैं, पहना के, पोल के, चबा के, हर तरह से देखा जाता है कि वो ठीक है। मतलब टंग, अब उसमें टंग बची है वो कटी है, कितनी बची है, उसका इंटरफेरेंस कितना है, यहाँ पे स्कारिंग बहुत हो जाती है इन पेशेंट्स में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको हमें फाइट करना होता है कोई भी प्रोस्थेसिस मुंह में बनाने के लिए। तो वो स्कारिंग से वो टिश्यू इतना हार्ड हो जाता है कि वो खुद रिबाउंड करता है उसके ऊपर से डेंचर आके, तो उसको कैसे हमें रोकना है, कहीं से कोई हड्डी मिले, इम्प्लांट का सहारा मिल जाए तो वो भी करना पड़ता है, उसको भी प्लान किया। तो बहुत प्लानिंग, बहुत मेहनत और बहुत कोशिशों के बाद जाके ये सब चीज़ें सफल होती हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इस समय आज के हिंदुस्तान को इसी सवाल की ज़रूरत है, इसी सवाल के जवाब की ज़रूरत है। हाँ, और मैं अपने हर पेशेंट को ये चीज़ समझाती हूँ, और तब वो भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है डेंटिस्ट्री में? जब आँख की दिक्कत के लिए आँख के डॉक्टर के पे जाते हैं, कान की दिक्कत के लिए कान पे, हार्ट की दिक्कत के लिए हार्ट का डॉक्टर ढूंढते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ है, नेफ्रोलॉजिस्ट ढूंढते हैं आप अपनी बाकी प्रॉब्लम्स के लिए, ये किडनी की प्रॉब्लम के लिए, तो
आप ये बताइए, दांतों के लिए आप सिर्फ डेंटिस्ट क्यों ढूंढते हैं? MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट मैं हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड पीडोडोंटिस्ट हैं, बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावा ओरल सर्जन अलग होते हैं, एंडोडोंटिस्ट अलग होते हैं, पीरियोडोंटिस्ट अलग होते हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि अगर अच्छा दांत का इलाज चाहिए तो किस डॉक्टर के पास जाना है। सिर्फ डेंटिस्ट देखते हैं और डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, काम ख़राब हो जाता है, फिर दुखी रहते हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ का नहीं ज्ञान है, ना उतनी एक्सपर्टीज़ है। तो इस तरह से ये सवाल बहुत अच्छा है, और मैं बिल्कुल लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री में पूरा स्पेशलाइजेशन है हर लेवल पे। और मेरी प्रैक्टिस में, मेरी क्लिनिक में हम सिर्फ और सिर्फ MDS डॉक्टर, मेरी पूरी टीम है। मैं सिर्फ प्रोस्टोडोंटिक्स का काम करती हूँ पूरा का पूरा, जितना भी नकली प्रोस्थेसिस का काम है, डेंचर बनाना है, क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री। हाँ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करती हूँ मैं, प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री करती हूँ मैं, प्रोस्थेटिक मतलब नकली, हाँ, और क्योंकि क्राउन और ब्रिज का काम भी हमारा है, तो नजदीक का मामला भी है। हाँ, तो जो भी हम कॉस्मेटिक्स में, जब आपकी स्माइल डिजाइनिंग है या ये सारी चीजें हैं, तो उसमें भी सारे ये क्राउन्स, लेमिनेट्स, विनियर्स, ये सब लगते हैं, तो ये सब भी हमारी ही स्पेशलिटी में आते हैं। जनरली क्या होता है, ये लोग शादी जब होने वाली होती है उसी टाइम पे आते हैं, ये बहुत एक मुझे थोड़ा सा फनी लगता है। और एक व्यक्ति तो आया था, उनसे बोला था, मैम आप लोगों की शादियां करवा देंगी। तो मैं कहा, ये तो है। और जब एक लड़की थी, वो बोलती थी, मैम ऐसा दिल करता है कि हम सुसाइड कर लें, हमारा जीवन व्यर्थ है, नरक है, मतलब एक आंख नहीं है। तो मतलब इतनी हीन भावना, 15-15 साल से इस तरह से जीना, खुद को पहले की एक शक्ल रहा करती थी और चोट लग गई और फिर ऐसे हो गया। तो जब मिल जाते हैं तब इन लोगों की जो खुशी होती है वो इतनी अलग होती है, और उस उनकी खुशी से जो मुझे खुशी मिलती है वो भी बहुत अलग होती है। एक आँख ना होना बहुत, मतलब जब इन लोगों की बात सुनते हैं, उनकी पीड़ा पता चलती है, और फिर ये आके जब अपनी खुशी बताते हैं, उसके बाद तो उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल आदमी की होती है ना, क्योंकि अब वो कहीं भी जाते हैं, बात करते हैं, मतलब जब हम मूवमेंट भी दे रहे हैं आँख में, जब वो घूम भी बराबर रही है, मूवमेंट भी दे रही है, तो अब फर्क तो बचा ही नहीं ना। पैर तो छूते हैं वो, क्योंकि वो ये कहते हैं, अभी इसी में ही, इसी की बात है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि अब पता चलता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि नई शक्ल, नया रूप उसको मिला है। वो बेचारा जॉब इंटरव्यू के लिए जाता था तो कभी कोई जवाब ही नहीं देता था, क्योंकि उसके, अगर किसी में कोई कमी है तो हमारे समाज में उसके लिए बहुत भेदभाव की भावना से, हीन भावना से देखा जाता है, जबकि वो एक आंख से देख भी रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन बस क्योंकि उसकी पूरा शक्ल एक नहीं है, तो इन लोगों को थोड़ी सी सामाजिक भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है इनकी ज़िंदगी में। आप ये समझ लीजिए, एक सपना होता है हर व्यक्ति का, जिनकी ज़िंदगी में इस तरह के दोष आ जाते हैं किसी भी कारण से, वापस उस जिंदगी में आने के लिए एक तड़प होती है उनके अंदर। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।